अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं को ब्रांडिंग वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक सबसे पहले आपको सस्ती शायरी सुनाएंगे। तो हमारी सस्ती शायरी मर्ज किया है कि चार टायर होते हैं गाड़ी के नीचे और छह टायर होते हैं ट्रक के नीचे। वाह 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 वाह, क्या तो बात बताइए। ऐसी बात आपको बता दी पहले, मुझे बताओ। चार टायर होते हैं गाड़ी के नीचे और छह टायर होते हैं ट्रक के नीचे। वाह 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 वाह, मेरे टीम में ड्रॉप पे ऐसे जाते हैं जैसे वली में पे लोग खाने के पीछे। सस्ती शायरी बकवास नहीं बल्कि सस्ती शायरी विद अनोनिमस बवाजी। तो अनोनिमस की पब्लिक, ठोको लाइक बटन। और आज वो दिन है जो हम समटाइम आपको बताए कि पूरा गेम प्ले लेके आते हैं जिसमें हम मर रहे हैं या फिर लाइक कुछ भी हो रहा है, कट वट नहीं होता, जीरो कट के साथ पूरा का पूरा गेम प्ले लेके आते हैं। मुझे नींद भी आ रही है लॉल। तो मेरी एनोनिमस पब्लिक, आपको पता है मैंने आज से काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी मंथ पहले आप लोगों को बोला था कि मेरी एनोनिमस की पब्लिक, आप लोग किसी की भी स्कैम में नहीं आना। अगर लाइक आप लोगों को कोई बोलता ना कि मैं एनोनिमस का दोस्त हूँ, मैं एनोनिमस का भाई हूँ, मैं उसके साथ होता हूँ, बेशक मेरी पिक्चर उसके साथ है, मेरी वीडियो उसके साथ है, कुछ भी है, वो आपसे पैसे लेके कोई भी काम करवाने का बोले, मैं आपका ये काम करवा दूंगा, मैं आपका वो काम करवा दूंगा, किसी का यकीन नहीं करना जब तक आप डायरेक्ट मुझसे बात ना करो। तो क्योंकि पब्लिक देखो, आज का दौर ऐसा है ना कि आप किसी पे यकीन नहीं कर सकते, और मुझे नहीं पता कि मेरे आसपास के लोग कैसे हैं। तो मैंने हमेशा आपको लोग आप लोग को पहले भी इस बारे में वीडियोस में मना किया, अलग वीडियो बना के मना किया कि आप ना किसी पे ट्रस्ट नहीं किया करो। अगर मतलब मुझे कोई भी मिलता है मैं उसके साथ पिक्चर ले लेता हूँ, कोई भी मिलता है मैं उसके साथ छोटी सी वीडियो बना लेता हूँ, और मतलब ये बहुत नॉर्मल है, मैं किसी को ना नहीं करता। जब कोई मिलता है तो मैं बहुत अच्छे से मिलता हूँ। तो अगर कोई बोले ना कि ये देखो एनोनिमस मेरा दोस्त है, मेरा कज़न है, तुम इतने पैसे दो मिलवाऊंगा, इतने पैसे दो मिलवाऊंगा, या इतने पैसे दो तुम्हारा ये काम करवा दूंगा, आप किसी की मत सुनना पब्लिक, ठीक है? और हमेशा जो है ना, जब तक आप मुझसे खुद से बात ना कर लो, आप किसी पे यकीन नहीं करना, क्योंकि दुनिया जो है ना बड़ी दो नंबर दुनिया, बड़ी फरीबी दुनिया है। और मैं एक बात फिर बोल दूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा अल्लाह पाक इस बात का गवाह है कि मैं कभी भी पैसों के लिए किसी को चीट नहीं किया, पैसों के लिए किसी को धोखा नहीं दिया। मैं हमेशा जो हूँ ना पब्लिक, हलाल खाता आया हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हलाल ही खाऊंगा। क्योंकि अगर आप किसी का हक खाते हो, किसी के पैसे खाते हो ना धोखे से, तो उसका हिसाब आपको दुनिया में भी देना पड़ेगा और आखिरत में भी देना पड़ेगा। तो मुझे मेरे अल्लाह का खौफ है, मुझे पता है अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है। तो कभी भी किसी के धोखे में नहीं आना। अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं इतने पैसे में ये काम करवा दूंगा एनोनिमस से, इतने पैसे में ये करवा दूंगा, तो अपना किसी के बातों बातों में नहीं आना पब्लिक, किसी का यकीन नहीं करना। चलें अब गेम प्ले की तरफ आते हैं, होप्स आपको मेरी बात समझ आई होगी पब्लिक। अब हम आए थे जॉर्जपुल यानी लाहौर, और सोलो स्क्वाड खेल रहा था, तो मैं काफ़ी सब्र से खेल रहा था कि गेम प्ले बन जाए भाई अच्छे से। और यहाँ पे ना हमने मारा था स्टार व्यू को। नींद आ रही है तो पब्लिक, यहाँ पे ना बंदा रश कर रहा होता है, तो मैंने जंप किया, सर जी फ्री फायर दिया। मैंने कहा भाई लेटा लेटा बैठा बैठा रहा, क्योंकि लो था वो, तो मैंने फ्री फायर दिया, भाई को डाउन किया, फौरन से करेंगे फिनिश, अब करेंगे इनकी लूट। तो भाई पूरी की पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखना, और अगर अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया तो क्या कर रहे हो मेरी एनोनिमस की पब्लिक, ठोको लाइक बटन। आज ना मतलब आप बोर में भी हो जाओ, बट मैं नहीं चाहता कि हो। समटाइम ऐसा होता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा कट कर देता हूँ, यहाँ गाड़ी में बैठे वहाँ भाई, यहाँ मतलब जॉर्जो से यहाँ गाड़ी में बैठे सीधा वहाँ पे पचिंगे में पहुँच गए, तो मैं कट नहीं करूँगा। मैंने कहा आराम से फायर दिखाता हूँ आपको, कि आपको भी आइडिया हो। ये ना गैस आपको सिखाने के लिए होता है कि आप लोग सीखो कि मैं कैसे सोलो स्क्वाड खेलता हूँ, आप सोलो स्क्वाड कैसे खेल सकते हो। समटाइम फ़न के लिए खेला करो जस्ट, तो आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पे मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि लेफ़्ट पे अलग टीम थी, राइट पे अलग टीम थी, और मैं था बीच में, तो मैं नहीं चाहता था मैं सैंडविच हो जाऊँ। एक क्यों शॉटगन है मेरे पास, वेस्ट में पर वैसे ही नहीं थी। तो मेरी एनोनिमस की पब्लिक, अब मैं चाहता था कि पहले मैं एक टीम से साइड से फाइट लूँ, बीच में सैंडविच ना हो जाऊँ। देखो सर नज़र आ रहा है, एक ही गोली मारी बेचारे के पास, हेलमेट नहीं था, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया। जब आपके पास हेलमेट नहीं हो ना गाइस, आपको एक एम की एक ही गोली बहुत होती है। तो भाई के साथ यही प्रैंक हुआ यहाँ पे, कि हमने भाई को फौरन से डाउन किया, लेकिन वेस्ट अभी तक हमें नहीं मिली। गाइस उस साइड से रश हो रहा होता है, यहाँ पे मैंने मारने की कोशिश की, लेकिन मेरा जो प्लान था वो कामयाब नहीं हो पाया। अब पब्लिक जो राइट पे ना, ये दो बंदे हैं, आपको पता है वाइट सूट वाला, हमने इनका एक बंदा ऑलरेडी मार दिया था, तो वो उनसे हमारी आगे फाइट होने वाली है। टेंशन नहीं लेनी, वेस्ट है नहीं है, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा। और यहाँ पे मैं देखता हूँ तो इन भाई सब के टीममेट आ रहे होते। आई ये सर जी कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, और दो रॉय फ्रेंड जो को डाउन किया। अब ये दो ही थे, इनका एक बंदा नॉक पड़ा, एक बंदा मेरे सामने आ चुका है। पब्लिक मैं नहीं चाहता था कि मैं रश करूँ, क्योंकि मेरा वेस्ट नहीं है, मैं बहुत जल्दी डाउन हो जाऊँगा, तो मैं चाहता था वो बंदा रश करे और मैं मारूँ। तो यहाँ नेट निकाला, नेट फेंकने के लिए एकदम कुक करता हूँ, ये भाग जाता है बाहर, तो मेरा नेट हो जाता है ज़ाया।
अगर ये बैठा रहता ना इसके बम में नेट फाड़ देता मैं, और जाता रिवाइव देने अपने टीममेट को, उसके टीममेट चिल्ला रहा होगा भाई मुझे रिवाइव दे दे मेरे भाई प्लीज़ बचा ले माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने देखा ओह सर जी यहाँ तो आपको देखा ही नहीं, कान के नीचे लगाया बकरा बनाया और यहाँ पे भाई इसका मुझे हेडशॉट कनेक्ट हो जाता और भाई वो रिवाइव देते देते मेरी इतनी हेल्थ कम कर देता है। ये रीज़न था पब्लिक मैंने क्लोज में फाइट नहीं ली थी। तो आप भी देखो आपको कुछ सीखने को मिला ना कि जब आपके पास हेलमेट वेस्ट नहीं है तो आप एहतियात से मौके का फ़ायदा उठाओ, ना कि हीरो बन के फाइट लेने मुंह पे उनके चले जाओ। यहाँ पे पब्लिक का मुझे काफ़ी अच्छी लूट मिल गई थी, M4 मिल गई थी, M मिल गई थी, 3x 4x वगैरह था और काफ़ी ज़्यादा लूट हो गई थी मेरे पास। अब मुझे जो स्कोप चलाना था 6 वो इसमें था नहीं, तो पब्लिक इतनी देर में जॉर्ज के हिल के ऊपर बंदे आए थे जो कि आपने भी देखा मैंने भी देखा, और ये कोई भाई फेक स्टार ड्यूड होती है, मैंने देख लिया था इसका नाम। और जिसका प्लेन था ना वो मतलब कॉन्करर का प्लेयर वो भी यहाँ पे खेल रहा था इन्हीं के साथ, और उसको भी हमने पीटा, उसके बम में मार के गोली उसको भगाया, लो भी वाह कपड़े धोता है धो भी हमने मार के कॉन्करर के प्लेयर को भगाया, लो भी अभी हमें भाई पहले तो स्प्रे दिया फिर हमने टैप टैप करके फिनिश करने की कोशिश की स्टार ड्यू को जो कि फेक है, तो स्टार्ड्यू को नॉक किया, स्टार्ड्यू कवर में भाग चुकी है और फिर हम जा रहे थे आगे की तरफ रश करने के, देखी जाएगी जो होगा अच्छी किलो का नाड़ा का अच्छी किलो का हिल पे जाता हूँ। अब पब्लिक आपको भी ये लग रहा होगा कि बंदा उसका हिल पे है, देखो मुझे भी लग रहा है मैंने एम भी वहीं रखा हुआ है, जा रहा हूँ ऊपर भाग ही जा रहा हूँ कि ऊपर को रिवाइव देने आए होंगे, लेकिन जैसे करीब जाता हूँ भाई ये बंदा मेरे पास से भाग रहा होता है, इस नमूने में मुझे देखा ही नहीं, कान के नीचे लगाया डॉट मूसा भैया को लॉबी भगाया, और ये वही थे कॉन्करर के प्लेयर जिनका प्लेन आया था। भाई हैंड फ्री ले लो, हैंड फ्री लगा लो, आपके बाजू से आपके बगल से मैं भाग रहा हूँ आपको पता ही नहीं, अगर इसको भी पता होता नहीं मुझे इतना इजीली मार देता। तो मैंने भाई को यहाँ पे डाउन किया, अब हम लूट करने वाले हैं ड्यू की, और यहाँ पूरा बॉट का स्क्वाड हम पर रश करेगा। तो हमने पहले बॉट को देखा कान के नीचे लगा दिया, एक बॉट बॉट को मार मार के मैंने अपनी केडी इतनी ज़्यादा कर ली ना मैं आपको क्या बताऊँ। और हम यहाँ पर ड्यू की लूट करने आए थे, ड्यू की बॉडी देखी फेक स्टार ड्यू की, यहाँ पर हमने की लूट 6x मिल गया, ओह नाइस ओह वेरी नाइस। गैस पता क्या होता है पता नहीं, आई डोंट नो क्यों समटाइम ना मे बी ग्रिप चेंज होती है या क्या, समटाइम मेरा स्प्रे इतना अच्छा हो रहा होता है, समटाइम इतना बकवास हो रहा होता है। सर जी हमने तो आपका देखा ही नहीं, अब देखना यहाँ एक बंदा ऐसा होगा उसने उसको मैंने इतनी गोलियाँ मारी, हाँ यही है वो आई गैस इतनी नहीं नहीं ये नहीं था आई ये सर जी बॉट भैया हमें देने आए केड़ी का किल, किल का केड़ी और दूसरे बॉट भैया भी है, वाह 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 वा, बॉट के स्क्वाड को वाइप किया, मौत कुछ हुआ और टक से वापस आ गए। अब पब्लिक यहाँ पे ना एक बंदा ऐसा होगा मैं जायरो से उसको मारने की कोशिश कर रहा हूँ और वो मरेगा नहीं, इतनी गोलियाँ जाया कि मैंने बोला ना आपका नाने में स्नोबर है आपका नानी बॉट है, तो आपके नाने में उसने इतनी गोलियाँ मारी बंदा ही नहीं मर रहा भाई, एक बंदा नहीं मरेगा हमसे वहाँ पे देखना। तो गैस अब टावर पे था ना तो मैंने फैसला किया कि रश नहीं करता, अल्लाह अकबर फिर से मेरे को नींद आ रही है, तो मैंने कहा वो टावर पे था मैं भी टावर पे जाता हूँ मुझे भी एंगल मिलेगा और फिर मैं मारूंगा, क्योंकि मैं नहीं जाता था भाई नौ किले हमारे एवं गेम प्ले ख़राब हो जाए तो हम चढ़ गए टावर के ऊपर। और यहाँ पे हमने देखा तो सर जी वो रहे आई ये वाह 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 भाई को हमें फिनिश किया और ये भाई साहब लेटे हुए गाइस ये देखो ये नहीं मर रहा था मुझसे, इतना बड़ा बॉट है आपके नॉलेज में, देखो देखो भाई मर जा, ओ फाइनली भाई आई लव यू टू आई लव यू वेरी वेरी मच। गाइस बॉट जा रहा है ऊपर इनकी बॉडी लूट ले, लेवल देख रहे हो, मुझे लगा बॉट यहाँ है लेकिन बॉट इतनी देर में छत पर पहुँच भी चुका है, फिर थोड़ी देर बाद ऊपर देखता हूँ ओ आप यहाँ हैं जान, फिर हमने ओ मिले बाबू मिले छोना बहुत भैया को हमने नॉक किया और अब हम इनकी लूट करने जाएंगे। तो ऐसे आपके नॉनवेज उसने ना 12 किल कर लिए थे, दिल गार्डन गार्डन हो गया था। देखो बिल्कुल कट वट नहीं कर रहा तो प्लीज़ ज़रा ना पूरा गेम प्ले देख लेना, स्किप नहीं करना मज़े से देखना, वरना आप लोग स्किप करके ना बड़ा मेरे साथ वो सीन करते हो वो मतलब पूरी वीडियो नहीं देखते हो, मतलब आप वीडियो देखोगे तो व्यूज़ कैसे आएंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे तो फिर हम छोड़ो बस जितने भी कमा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करम है मेरे अल्लाह पाक का, उसने बहुत करम किया मुझे बहुत बहुत दिया मेरे रब ने, जितना शुक्र अदा करूँगा मैं। और आपको हर हाल में बेशक आपके दिन अच्छे हैं बुरे हैं कुछ भी है, हर हाल में अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक आपके मतलब आपका होना ही मतलब जो हमारे पास नेमते हैं ना हम ना उनको देखते नहीं है, वो हमें नज़र नहीं आती, अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा है ना कि हम देख के अनदेखा कर देते हैं, तो जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर हाल में ना बस अल्हम्दुलिल्लाह बोला करो, मेरी आदत बन गई अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, आप भी अपनी आदत बना लो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाजमी बोला करो, पब्लिक आदत बना लो अपनी आप लोग, अस्तगफिरुल्लाह इंशाल्लाह
ये अल्फाज यूज़ किया करो भाई, मतलब नॉर्मल से अल्फाज में इतने को टाइम भी नहीं लगता और आदत बना लो इनकी। जैसे हम बोलते हैं ना कि वो होता है, मतलब कुछ वर्ड होते हैं आपके कि हाँ लॉल, जैसे मैं लॉल बोलता हूँ, मतलब मुंह पे मेरे ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है लॉल। यहाँ मैं इसको रोकने की कोशिश कर रहा था बंदे को और ये रुक भी जाता पब्लिक, और इसको तो मैं इतने फनी तरीके से मारूंगा ना, ये बांग्लादेशी प्लेयर है, आप हंस हंस के पागल हो जाओगे पब्लिक देखना। तो लॉल भी एक ऐसा लफ्ज़ है जो आपके मेरी ज़ुबान पर आया हुआ है। आप भी ऐसे बहुत से लफ्ज़ बोलते होगे, डूड या OMG या कुछ भी, तो मतलब ऐसे माशाल्लाह और इंशाल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह, ये आदत बना लो, इतना मुश्किल नहीं है। आप 2-3 दिन बोलोगे आपकी आदत बन जाएगी, फिर आप नेचुरली बोला करोगे, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। पब्लिक ये बंदा छत पे आता है और मैं काफ़ी ओपन में था, तो मैंने सोचा अब स्नाइपर नहीं चाहिए, अगर मैं उस 8x कार्ड एंटेड होता ना, जैसे ही बंदा दिखाता खोपड़ी में उसके कान के नीचे लगा के इसको बकरा बनाता, लेकिन ये खोपड़े नहीं दिखा रहा था। अब मैं ये चाहता था कि ये अकेला है तो ये भागे ना, ये यहीं पर रहे और मुझे किल दे जाए। पब्लिक आप देखना, मैं कह रहा हूँ कभी आपने इतना फ़नी किल नहीं देखा होगा जितना फ़नी ये बंदा मरने वाला है। तो मैं इनके काफ़ी क्लोज आ जाता हूँ और एम किया तो भाई साहब मतलब मेरे को आया है क्या, तो घटिया स्प्रे किया मैंने, वाह 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 वाह। मैंने आपको बोला ना कभी कभी मेरा स्प्रे इतना अच्छा होता, कभी कभी मेरा स्प्रे इतना घटिया हो रहा होता ना, मेरी ग्रिप चेंज होती है क्योंकि मैं ग्रिप देखता नहीं हूँ। आप मुझे अपना रिकमेंड करना कि आपके हिसाब से बेस्ट ग्रिप कौन सी है, मे भी जब मेरे M4 में सही ग्रिप लगती होगी जो कि मेरे लिए मेरी सेंसिटिविटी के लिए सही है, तो मेरा स्प्रे ठीक होता होगा, वरना मैं बड़े नूबड़ों की तरह स्प्रे करता हूँ। पब्लिक अब थोड़ा सा क्लोज आया था और इस भाई साहब को ढूंढने की कोशिश करता, ओपन से रश कर रहा था कि जैसे ही पीक देगा भाई मार दूंगा मज़ा आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं जाता। भाई साहब पीछे भागे होगा, जिसको मैं लो कर दूंगा यहाँ पे, आप गौर से देखना, काफ़ी लो होगा ये बंदा टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगा गेट से अंदर आएगा तो मैंने प्रीफर दिया, वो लेट गए सर जी, हमने तो आपको देखा ही नहीं। अभी देखो यहाँ पे हमने काफ़ी लो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फायर दूंगा, लेकिन ये जा चुका होगा राइट पे, तो मैं ना इसको डिसाइड करूँगा कि पैन से मारूँगा। तो मैं पैन निकाल लेता हूँ और इसको थ्रो पे कर देता हूँ कि थ्रो करके मारूँ, पहले से भाई देख लिया और वहाँ पे दूर फेंक दिया और ये लगा उसको और वो नॉक हो गया। भाई मैं हाथ से पागल हो गया था कि बेचारे के साथ क्या प्रैंक हुआ, मैंने एम भी सही से नहीं किया, आपने देखा पहले ही उसको थ्रो के लिए भी टैप कर दिया और जैसे वो बंदा सामने आया ना उसके बम में फेंक दिया पैन और बेचारा मर जाता है। तो यहाँ पे अपना पैन उठाया पब्लिक और मैं फ़ौरन से ना स्क्वाड हो जाके इसकी बगी उठाऊँगा और निकल जाऊँगा बंदे ढूंढने के लिए, क्योंकि 13 किल हो गए थे। अगर मैं थोड़ा सा अच्छा खेलता, थोड़ा रश खेल के खेलता, तो मैं मतलब 20-22-25 किल कर सकता हूँ, जिसमें से काफ़ी तो बॉट हैं टू बी ऑनेस्ट। आपने देखा छुपाता कुछ नहीं आपका नानी, मैं चाहता तो कट कर देता वहाँ से और फिर आगे दिखाना शुरू कर देता और कहता देखो भाई मेरे इतने ज़्यादा किल, लेकिन आपको पता है आपका नानी मैं सबसे झूठ नहीं बोलता, जो भी बात होती है बेशक मेरी खामी है मेरी खूबी है मैं आपके सामने रख देता हूँ पब्लिक, और करना भी ऐसे ही चाहिए, तभी शायद मेरे अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी है, इतना प्यार दिया, वरना अगर कोई फ्राडिया बंदा हो या धोखेबाज होता ना, तो अल्लाह पाक कभी मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी इज्जत देते उसको दुनिया में। मैं जितना शुक्रिया अदा कर, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत गलत बंदा हूँ टू बी ऑनेस्ट, मैं अपने रब का भी बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन फिर भी उसने मुझे इतनी इज्जत दी, बहुत खुशी होती है पब्लिक आप लोग इतनी इज्जत देते हो, इतना प्यार करते हो ना, मैं कह रहा हूँ आप सबको गीली चुम्मी मेरी तरफ से, आई मेरी पब्लिक लव यू सो मच पब्लिक। अब मैं आ गया था रोज़ा यानी पिशावर, जिसका हमने नाम रखा हुआ बगी में, और यहाँ पे हम अपनी बगी उड़ाएंगे। ये वीडियो शायद आप टिकटॉक पे ऑलरेडी देख चुके होंगे, मैं यहाँ का पार्ट था, तो मैं यहाँ पे रुका, नीचे ना मुझे साउंड आता है बगी का, आई गेस बाइक का आता है, हाँ जी बाइक का आता है, तो फिर मैं बाइक यहाँ पे रोकने के लिए टैप दे देता हूँ, और वो देखो मैप में मार्क आ रहा है कि वो बंदा ऊपर आ चुका है, तो मैं लेट जाता हूँ ताकि उसको मैं नज़र ना आऊँ, और जैसे वो ऊपर आता है ना मैं उसको स्प्रे मारता हूँ, उसको हेड लग जाता है मेरे एटीएम का, और दोबारा बॉडी शॉट हेड शॉट दोबारा लगता है और R2D सैम भैया हो जाते हैं डाउन। तो मैंने एक नेट कुक किया क्योंकि उनका टीममेट उनको बचाने के लिए आया था दरख्त की तरफ, साउंड आया था, लेकिन नेट फेंकते हुए ज़्यादा जल्दी फेंक देता और नीचे चला जाता, तो नेट हो जाता ज़्यादा सॉरी ज़ाया, जंप करके भैया को लेफ्ट राइट डाउन किया, R2D के दूसरे बंदे को भी डाउन किया, बगी पे इनका तीसरा बंदा है, मैं तुमको बताऊंगा रुक जा मैं इसको मारूंगा, अभी तो काम कर दी थी उन्होंने भाई ने, लेकिन कान के नीचे लगाया, अली भैया को भी लॉबी भगाया, मौत कुछ हुआ और टक से वापस आ गए और करेंगे मैं जैसे लूट भैया जी और सॉरी बाबा जी बोल दिया मैं बाबा जी, ठोको लाइक बटन मेरी एनोनिमस की पब्लिक, 16 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो चुके थे। तो ये वो वीडियो थी जो आपने शायद टिकटॉक पे देखी होगी। अब भाई कोई भी गुस्सा नहीं करना क्योंकि मैं सोलो स्क्वाड खेल रहा था और 8x नहीं था और 6x से या 4x से मुझसे स्नाइपिंग नहीं होती, तो यहाँ पे मैंने ये गुनाह किया कि मैंने AWM छोड़ दी, और शायद AWM हमारी पहली मोहब्बत की हमें बददुआ लग गई पब्लिक, मैं आपको बता मुझे बददुआ लग गई आपकी।
हुआ, मुझे बद्दुआ लग गई। सॉरी, तो आम की बद्दुआ लग गई। और आप देखो, अच्छा मेरा रोना पसंद आया तो मुझे कमेंट में बताना, और इस वीडियो को लाइक मुझे इंस्टाग्राम पे टैग वैग करना पब्लिक, तो मैं अपनी बगी उठाता हूँ यहाँ से अपनी छिपकली, क्योंकि उसमें फ्यूल ज़्यादा था बाबा जी, फ्यूल का नो मजाक। भगाई अपनी बगी हमने यहाँ पे पचिंकी की तरफ, पचिंकी यानी पिंडी जाएंगे, बाबा जी बंदे मिलेंगे, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, कच्चा नाड़े के लिए होगा। हमेशा नाड़ा कच्चे के लिए थोड़ी बोलूँगा मैं, आप भी मेरे साथ फिर हो जाता है नाड़ा कच्चे के लिए होगा, लेकिन वो मैंने आपके साथ प्रैंक कर दिया, मैंने बोल दिया कच्चा नाड़े के लिए होगा। बात तो एक ही है, नाड़ा कच्चे के लिए हो या कच्चा नाड़े के लिए हो, दोनों एक दूसरे के लिए तो हैं। अब पब्लिक में थोड़ा सा क्लोज आता हूँ, तो लेफ्ट से जा रहे होते हैं बंदे, जब मैंने इनको देखा मैंने रोकी अपनी बगी और पीछे वाले पे कर दिया फायर, तो फौरन से उतार दिया मैंने बगी से, दूसरा बंदा इनका यहाँ पे रुका, और लेफ्ट पे अलग बंदे थे, तो यहाँ पे मैं बुरी तरह फंस गया पब्लिक, तो मैंने फौरन से ना इस भैया को भी डाउन किया, दो बंदे इनके डाउन है। गाड़ी गुजर रही थी तो यहाँ पे मैं नहीं चाहता था कि मेरे किल चोरी हो जाए, या मे बी वो ये इन्हीं के टीम मेट थे, दो मुझे लग रहा है मे बी ये इन्हीं के टीम मेट थे, तो गाड़ी वाला उधर पीछे भागता है पब्लिक, मैंने उस पर स्प्रे दिया, तो वो बंदा ना अभी कवर में होता है, मतलब सॉरी स्प्रे नहीं दिया लेकिन वो कवर में होता है, दरख्त के पीछे होता है। इतनी देर में इसका पीछे से एक टीममेट कवर देने के लिए भी आ जाएगा, मैं बुरी तरह फंस जाऊंगा पब्लिक, ये जान नहीं रहा होता और पीक भी नहीं ले रहा होता अच्छे से। यहाँ पे जब मैंने इसको लोक किया ना, मैंने फैसला किया भाई मैं इस पर कर रहा हूँ रश, जैसे रश करने जाता हूँ पीछे से पड़ती हैं गोलियाँ और मेरी बगी रहती है ख़राब, और बगी ख़राब होती तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, इतनी देर में इस बंदे को मौका मिल जाता है भागने का, भाई तो फाइट ले ले। यहाँ आता हूँ तो यहाँ भाग जाता अपने टीममेट की तरफ, अजीब डर के भागे जा रहे हैं, पहले वहाँ से भाग के यहाँ आया, जब मैंने रश किया तो यहाँ से डर के वापस भाग गया, और फिर उसका टीममेट पीछे होता है, मैंने उसको मारने की कोशिश की, उसको लगी चमकीली उड़ी, लेकिन भैया हमारे मरे नहीं और ये बंदा स्क्वाड चला गया। तो कहता मुझे ना बग्गी लेके फौरन से स्क्वाड रश करना था, कि दिखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा। तो यहाँ पर ना मैं वेट करता था कि ये पीक दे, मैं नॉक करूँ और फिर रश करूँ, लेकिन इसने पीक ही नहीं दी भाई, डर के खेल रहे थे अजीब, मतलब कैंपिंग लेवल अब देखना इनका, बड़े कोई डर वर के खेल रहे थे बंदे। लेकिन याद रखना हमें ओम की बद्दुआ लगी हुई है, क्या लगी हुई है, ओम की बद्दुआ लगी हुई है, ओम ने बद्दुआ दी थी हमें लॉल। तो हमने अपनी बगी एंड छिपकली उठाई। अगर ओके पब्लिक आपको ये रोने वाला अनोनिमस पसंद है ना, तो भाई मुझे कमेंट ज़रूर डालना, ठीक है, तो रोने वाला अनोनिमस आप ऐसा नहीं, इसका हम कुछ नाम रखते हैं, ठीक है, इसका हम नाम रखेंगे एक्टर अनोनिमस, ठीक है, बस हाँ ये अनोनिमस फिल्म के ऊपर ही। तो एक्टर अनोनिमस आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर बताना, पब्लिक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। तो हम फिर एक्टर अनोनिमस को और वीडियोस में लेके आएंगे। अब पब्लिक मैं यहाँ पे रश करता हूँ, मुझे ना पता नहीं था कि बंदे कहाँ पे कैंप कर रहे हैं, पहले मुझे लगा गैलरी में, तो मैं एक नेड निकालता हूँ, इस तरफ मारने का रीज़न ये था कि भाई लेफ्ट पे जाएगा और वो हुआ तो नॉक हो जाएगा। अब ना छत से साउंड आ रहा था कि मुझे छत पे, मुझे मैंने नेड किया, मुझे क्लियर हो गया कि गैलरी में कोई नहीं है, ना उसने रश किया ना वो नेट से फटा, मुझे लगा बंदा ऊपर है, तो मैं नेट करने आता हूँ। और ये देखो भाई कैंपिंग लेवल चेक करो इन बंदों का, गुजर के गया नहीं आए और बाद में आके मार दिया, तो भाई मेरे को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन चलो अब जो हुआ सो हुआ। पब्लिक वीडियो कैसे लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करके कमेंट जरूर बताना, चिकन नहीं मिला लेकिन होप्स आप वीडियो को उतना ही प्यार दिखाओगे, उतना सपोर्ट करोगे, कोई बात बुरी लगती तो माफ़ कर देना, अच्छी लगती था सिर्फ प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, दिल से लव यू मेरी अनोनिमस की पब्लिक, आप सबको बहुत सारा प्यार, गीली चुम्मी, अल्लाह हाफिज़।